असल डियर स्टूडेंट आज हम ई e बुक्स के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि क्या रिसर्च ऑलरेडी ई बुक्स के ऊपर हो चुकी है इस्पेली वो ई e बुक्स जो बच्चों से रिलेटेड हैं और टीचर्स उनको इस्तेमाल करते हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर और हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे रिसर्च के अंदर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें मिलेंगी और हम उसकी वजूहत जानेंगे कि ये क्यों है पहली चीज़ ये कि जो मेजॉरिटी हमारे पास रिसर्च मौजूद हैं या ई बुक्स मौजूद हैं अंडर फाइव बच्चों के लिए Uh, वो इस किस्म की कमर्शियली मेड ई बुक्स हैं जिनको आप स्टोरी एप्स कहते हैं पिक्चर ई बुक्स हो सकती हैं आई बुक्स हो सकती हैं um, और डिफरेंट किस्म की आपको वैराटीज के अंदर मिल जाती है uh, बुनियादी तौर पे ये किताबें ये सोच के डिज़ाइन uh, की जाती हैं इनका जो डिज़ाइन uh, फीचर्स होते हैं कि ये बच्चे अभी डायरेक्ट रीडिंग नहीं कर सकते और ये जो है एडवांस रीडर नहीं होते तो डेफिनेटली उसके अंदर साउंड्स भी मौजूद होंगी उसके अंदर इंट्रेक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे अब इंटरेक्ट मल्टी मॉरल इंफॉमेशन जो है बुनिया ई बुक्स के अंदर जो मौजूद होती है उसका मकसद ये होता है कि जो रिटर्न टेक्स है uh, उसको हम स्पोकन रीडिंग के साथ ज्वाइन uh, कर दें uh, ताकि जो रिटर्न टेक्स है वो ई e बुक जो है वो उसको स्पोकन तरीके से बच्चों को सुना सके जाहिर है अगर वो पाँच साल से छोटे हैं तो ख़ुद तो रीड आउट नहीं कर पाएंगे उसमें म्यूज़िक के फीचर होंगे ग्राफिक के हो सकते हैं हो सकता है कुछ में एनिमेशनस भी मौजूद हो हॉट स्पॉट मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमेशन चल सकती है अगर आप किसी फीचर को टच करते हैं या प्रेस करते हैं किसी स्क्रीन बटन को तो ये कई ई e बुक्स में फ़ीचर्स मौजूद होते हैं कईयों हो में ये मौजूद नहीं होते अब इन तमाम एलिमेंट्स को सामने रखते हुए जब हमने स्टडीज़ हमारे सामने आती हैं रिसर्च स्टडीज़ दुनिया की तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट मिलते हैं कि ई e बुक क्या ज़्यादा बेहतर है प्रिंट बुक से क्या अगर हम ई e बुक बच्चों को दें तो उसका इफेक्ट बच्चों के लिटरेसी स्किल्स पे या उनके एकेडमिक स्किल्स पे बेहतर होगा प्रिंट बुक्स की नस्बत इसके बारे में जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो तीन वजूहत की बिना पे डिफरेंट हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन कैसा है जब वो ई e बुक के थ्रू पढ़ रहे होते हैं उसकी वजह से भी हमें डिफरेंट रिज़ल्ट मिलते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली पेरेंट्स के डिफरेंट पेरेंट्स के डिफरेंट किस्म के अवेरिएबल्स uh, होते हैं और दूसरा हमें इससे पता चलता है कि जो आपका रीडिंग मीडियम है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट ई बुक्स में उसकी वजह से भी हमारे रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं जब हम स्टडीज कर रहे होते हैं और किन आउटकम्स को आप बच्चों में देख रहे हैं उसकी वजह से भी रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट कैसे होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आते हैं स्टडीज़ के रिसर्च स्टडीज़ के वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप ई e बुक में पेरेंट्स को ही ले लें तो पेरेंटल एजुकेशन जेंडर वो माँ है या बाप है उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट रीडिंग के अंदर क्या है और उनका रीडिंग स्टाइल कैसा है उस सैंपल में जो पेरेंट्स मौजूद होते हैं ये वो तमाम फीचर्स हैं जिसकी वजह से दूसरे सैंपल में मौजूद पेरेंट्स के वजह से इनके डिफरेंसेस की वजह से रिज़ल्ट डिफरेंट आ सकते हैं पेरेंट चाइल्ड डाइट्स में रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं कि पेरेंट्स जब बच्चों के साथ बुक्स रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसके फोल्डिंग कैसे करते हैं वो अपना रीडिंग इमोशनल इन्वामेंट कैसे बनाते हैं चाइल्ड की रिस्पॉन्सिनेस क्या होती है हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है जो आपके जैम्पल में हो सकता है मेरी स्टडीज़ में जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट हो इस वजह से भी हमारे रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं बच्चों जिनको आपने अपनी स्टडीज़ में लिया है उनकी एज उनकी जेंडर उनकी कॉर्डनेटिव uh, एबिलिटीज जिसको हम एक्जैक्टिव फंक्शंस कहते हैं जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं उनका टैम्परामेंट या उनका लैंग्वेज लेवल क्या है उसकी वजह से भी हमारी स्टडीज़ में डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग रिज़ल्ट की एक और रीज़न होती है हमारा रीडिंग मीडियम Uh, आपके फॉर्मेट फीचर्स क्या हैं जिन गैजेट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिनको आप स्टडी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर इन कंपैरिजन टू प्रिंट बुक्स और उसकी शेप कैसी है उसका वेट कैसा है कलर क्या है मटेरियल क्या है हार्डवेयर डिज़ाइन क्या है वो एक्सेस कैसे होता है uh, कितना महंगा है कितना सस्ता है उसकी कॉन्टेंट एट्रीब्यूशन फ़ीचर्स क्या हैं मैंने बताया कि तमाम ई e बुक्स के अंदर तमाम फीचर्स मौजूद नहीं होते एलस्ट्रेशन कैसी हैं उसमें नरेटिव कैसे दिया गया है उसकी मल्टीलिंग एडिशन्स कैसे हैं वैकेबरी ग्रामर कैसे सेट की गई है उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में उसके इन फ़ीचर्स क्या हैं आज इन गैजेट्स के साथ डिफरेंट रिसर्चर जो हैं वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं बच्चों पे उनका इफेक्ट देख रहे होते हैं उसमें म्यूज़िक है उसकी वॉइस कवर है कि नहीं है उसमें इंटरेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है उसमें किस किस्म के हॉट स्पॉट हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं क्या गेम्स हैं नहीं हैं कितनी हैं और उसमें किस किस्म की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूज़ की गई है तो डिफरेंट स्टडीज़ में ये तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं इसलिए उनके रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाते हैं और कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आते हैं आप एक्चुअली कौन से आउटकम देख रहे हो इन किताबों का बच्चों पे क्या असर देख रहे हो वो असर आउटकम है आप ये देख रहे हो कि सोशो इकनॉमिक एजुकेशनल फैक्टर्स क्या हैं पेरेंट एटीट्यूड बिलीफ कैसे बदल जाते हैं बच्चों की एकेडमिक सक्सेस से ई e बुक का ताल्लुक है या नहीं है फैमिली कम्यूनिटी स्टेटस के साथ है या नहीं है उनकी स्थैटिक एक्सपीरियंस को चेक कर रहे हो लैंग्वेज प्रोसेसिंग देख रहे हो या ये देख रहे हो कि वो लैंग्वेज प्रैक्टिस कैसे करते हैं अटेंशन स्पैन आप उसका स्टडी करने जा रहे हो उनकी मोटिवेशन चेक करने जा रहे हो रिसेप्टिव uh, या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को देख रहे हो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स को बच्चों की आप जज कर रहे हो क्या जज कर रहे हो तो डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट चीज़ें हमें सामने मिलती हैं और हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं दैट्स ए रीज़न हमें गो थ्रू होना पड़ता है ढेर सारी स्टडीज़ के थ्रू ताकि हम किसी बेहतर नतीजे पर पहुँच सकें और हम आगे इसको वन बाय वन देखेंगे